ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लहसुन, मिर्ची, दो टमाटर, चार बड़े प्याज ले रखे हैं। तो मैं जा रही हूँ शाही पनीर बनाने। अब दोस्तों इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ये मैंने नमक डाल दिया, और कर देंगे अब गैस को ऑन। इधर ये मेरा गैस ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसको अब हम 4-5 मिनट के लिए ऐसे पकने देंगे धीमी आँच पर। देखिए गैस का फ्लेम मैं कम कर देती हूँ, और इस तरह से ये टमाटर लहसुन मिर्ची पक जाएगा हल्का सा, उसके बाद निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 2 से 3 मिनट हो गया टमाटर लहसुन मिर्ची को पकते हुए, तो देखते हैं कैसा है ये भी। तो अभी इसको 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। ये दोस्तों पनीर है, 300 ग्राम पनीर है, और इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पनीर को इतने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इससे बड़े भी काट सकते हैं, चाहे तो इससे छोटा काट सकते हैं, लेकिन मैं इतने ही बड़े बड़े काटती हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने ले रखा है पानी, पानी होगा 1/2 लीटर, और इसमें अब डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, और इसमें अब पनीर को एक उबाल लगा देंगे ताकि पनीर हमारी फ्राई करते हुए फूटे नहीं। तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा वैसे ही हम इसमें पनीर को डाल देंगे। तो दोस्तों इधर हमारी ग्रेवी की स्टफिंग भी रेडी हो गई, अब इसको इसी प्रोसेस में निकाल लेंगे बाहर, और इसको ठंडा करेंगे, और फिर इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब गैस को कर देते हैं बंद, और इसको होने देते हैं ठंडा। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, देखते हैं ये पानी में उबाल आ गया है, तब इसमें हम ये पनीर को डाल देंगे। मैंने यहाँ पनीर को डाल दिया है, अब इसमें भी उबाल आने लगेगा, फिर हम पनीर को निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, पनीर हमारा उबलने लगा है, और अब इसको इसी प्रोसेस में निकाल कर रख लेंगे बाहर। तो दोस्तों ये मैंने पनीर यहाँ पर निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। इधर मैंने कढ़ाई में रख डाल दिया सरसों का तेल, और ये तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें पनीर डालेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए कि तेल गर्म हो जाए, वरना गर्म नहीं रहेगा तब भी पनीर कढ़ाई के तले पे चिपक जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों तेल गर्म हो रहा है, अभी हम डाल देंगे इसमें पनीर। पनीर कितना सॉफ्ट हो गया है, और पनीर को फ्राई करने के बाद भी उसी पानी में डाल देंगे ताकि पनीर एकदम सॉफ्ट रहे। देखिए दोस्तों अब इसमें हम पनीर को डाल देंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में सारे पनीर को डाल दिया था, मैंने जार में सारे मिक्सचर को रख लिया है, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देख ये ग्रेवी देख तो देख सकते हैं, इसका मैंने मिक्सचर बना लिया है। अब देख लेते हैं पनीर कहाँ तक पहुँची है। देख सकते हैं मेरी एक भी पनीर के देख सकते हैं टूटी नहीं है। दोस्तों अगर क्रीम वाली पनीर रहेगी तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे फ्राई करेंगे बिना उबाले तो ये फूट जरूर जाएगी, तो ये क्रीम वाली पनीर थी, तो इसलिए मैंने इसको पहले उबाल लिया, उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हमारी पनीर फ्राई हो चुकी है, अब इसको निकाल कर उसी पानी में डाल देंगे जिसमें हमने इसको उबाला था, ताकि ये पनीर सॉफ्ट के सॉफ्ट बनी रहे। तो दोस्तों ये मैंने पनीर को निकाल लिया है, और अब इसको इसी पानी में डाल देंगे। जीरा पाउडर, और यहाँ पे मैंने थोड़े से सूखे मसाले ले रखे हैं, तेज़पत्ता, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, 3 से 4 काली मिर्च, और दोस्तों यहाँ पर मैंने मसाले ले रखे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, पनीर मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, और यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले रखे हैं, तो अब इस मसालों को इसमें डाल देंगे। दोस्तों कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया, अब इसी के साथ इसकी ग्रेवी डाल देंगी, वरना मसाला जल जाएगा। तो मैंने ग्रेवी भी डाल दिया, बाकी के मसाले भी इन हैं, अभी इसको बाद में डालूंगी। ये
हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें दिया है। तो इस तरीके से मैंने सारा मसाले को डाल दिया ग्रेवी के अंदर। अब इसको चला देते हैं अच्छे से। सारे मसालों को दोस्तों हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको एक मिनट तक ऐसे ढक कर पकाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक मिनट हो गया है ग्रेवी को पकते हुए। मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया था। और अब यहाँ पर डाल देते हैं मटर। ये मैंने दोस्तों फ्रेश मटर ले रखा है, इसलिए इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना पड़ेगा, नहीं तो ये गलेगी नहीं। अगर आप फ्रोजन मटर ले रखे हैं तो आप उसे 1 ही 2 मिनट में पका सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 4 से 5 मिनट हो गया ग्रेवी पकते। अब देख लेते हैं कि हमारे ग्रेवी का टेक्सचर कैसा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है ग्रेवी को। अभी तो इसमें पनीर डली ही नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी लग रही है। और हमारा मटर भी सॉफ्ट हो चुका है। अब दोस्तों इसमें डाल देते हैं पनीर को। तो ये देख सकते हैं मैंने पनीर को गर्म पानी में ही डाल दिया था। और आप ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट पनीर है ये। तो दोस्तों इसमें हम पनीर को डाल देते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पनीर को ग्रेवी के अंदर डाल दिया है, ये देखिए। दोस्तों एक ही हाथ से वीडियो बनाना और एक ही हाथ से खाना बनाना बहुत ही टफ हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। अगर मेरे वीडियो में कहीं से भी गलती होती है तो उसके लिए आई एम सॉरी। देखिए दोस्तों आप चाहें तो ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग गाढ़ी और पतली कर सकती हैं। ये जो पनीर का पानी था इसी में आप डाल देंगे। देखिए मैंने सारे पानी को डाल दिया इसके अंदर। और अब इसको आपको दिखाते हैं, हमारी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं है। आप अपने गर्डी गाढ़ी या पतली कर सकते हैं, ये देखिए। अब इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और फिर हमारी पनीर बनकर रेडी हो जाएगी। नमक डालना भूल गई थी, तो इसमें अपने अकॉर्डिंग नमक डाल दे, क्योंकि हमने पनीर उबालते टाइम भी नमक डाल रखा था। दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरह से 5 मिनट हो गए और हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बनकर भी रेडी हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे दोस्तों आप पूड़ी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको अब सर्व करते हैं। पहले इसमें अब डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये देखिए दोस्तों। धनिया किसी भी रेसिपी को और भी खूबसूरत बना देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये शाही पनीर की वीडियो जरूर पसंद आई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दोस्तों मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ।